अपने सदर बाबा मुफ्ती को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल श्रीनगर वाली सीट है उसमें हम अपने नौजवान वहीद रहमान पर्रा को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके बाद नारत वाली सीट बारामूला सीट जो है उससे हम फयाज अहमद मीर को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा आपके सदर महबूबा मुफ्ती साहब से, वो आपके साथ दोनों में बात करें। आइए, आपने सुना हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने अनाउंस किया कि श्रीनगर से हम तीनों निशस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और जम्मू में जो और बाकी जगह जो है हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम इंडिया अलायंस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरे मुल्क के जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस तरह आईन की धज्जियां दिन ब दिन उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह पूरे मुल्क में एक बहुत ही मुश्किल किस्म का, खतरनाक किस्म का माहौल बना हुआ है, जहां माइनॉरिटीज के साथ दिन दहाड़े जो है उनके उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महंगाई हो गई है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम उस पार्टी को, उस अलायंस को साथ देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे हालात हैं उसको भी मद्देनजर रख के आगे चल के जो है सही फैसले ले सके। तो यहाँ भी हमने कोशिश की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश थी ये कि हम यहाँ मिलजुल के चलें। और इसके लिए मैंने पहले से अंतक कोशिश की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉम्बे में भी मैंने यही कहा कि हमारे जो फैसला जो जम्मू कश्मीर की सीट्स का होगा वो फारूक साहब करेंगे और हमें उनके फैसले से गिला नहीं है कि वो तीनों सीटें लड़ना चाहते, हमें उससे गिला नहीं। मुझे गिला ये है कि उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं समझा, हमारी राय लेना भी गवारा नहीं समझा, और बजाय इसके कि हमें बुला के अपनी जगह ये फैसला सुनाते, पब्लिकली इसको अनाउंस किया, जिसकी वजह से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हमारा वर्कर बहुत ही ज्यादा मायूस और डिमोरलाइज हो गया जब उसको ये बताया गया कि तुम्हारी पीडीपी की जमा खत्म हो गई है, इसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आज आप सब जानते हैं कि जो साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें कश्मीरी मेरे गुजर भाई, मेरे पहाड़ी भाई, हमारे हिंदू लोग जो राजौरी के इलाके, नौशहरे के इलाके, मैं सबको गुजारिश करूंगी, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, खासकर 370 को गैर आईनी तौर से खत्म करने के बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जम्मू कश्मीर बिलखसूस कश्मीर वादी एक जेल की सूरत इख्तियार कर चुका है, यहाँ बात नहीं कर सकता है, यहाँ आप दिन रात जो है अलग अलग एजेंसीज के छापे डाले जाते हैं, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, लोगों के पासपोर्ट बंद है, नौकरी अगर किसी को मिलती भी है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसको इसलिए नौकरी नहीं दी जाती कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था, तो बड़ा बड़ा मुश्किल माहौल है। तो ऐसे में बात करना बड़ा मुश्किल, बात करना ही जुर्म बन गया है, अगर कोई बात करता है तो वो उसको समझा जाता है ये कोई एंटी नेशनल काम कर रहा है। आपने देखा कि हमारी बिजली का क्या हाल है, मीटर लगे हैं, इतनी बिजली फीस 10 गुना होगी, बिजली कहीं नहीं, मगर उसका भी लोगों को इतना बड़ा बोझ डाला गया।